हेलो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है जो मैंने टेरेस पे बनाया है। तो इसमें मैं बेल वाली सब्जियाँ उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये करेले का पौधा है और इसको मैंने पॉली बैग में लगाया है। सारे जो मैं पौधे हैं पॉली बैग में ही लगाए हैं, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। और इसको लगाए हुए 2 महीने हो चुके हैं और इस पर अब फूल और सब्जियां भी आना शुरू हो गई है। और ये आप देख सकते हैं, ये करेले का है और इस पर छोटा सा करेला भी लगा है, काफ़ी सारे लगे हुए हैं। और देखिए, इनकी बेल भी पूरी तरह से फैल चुकी है। अभी अभी तो सब्जियां देना स्टार्ट किया है, तो अच्छी खासी हमें सब्जियां भी मिल जाएंगी। और ये तुरई, इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है और काफ़ी सब्जियां लगी हुई है ऊपर, देख सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ भी लग रही है। ये देखिए, मैंने एक बार इसे जो हार्वेस्ट भी किया है और उसकी सब्जी भी बना के खा ली है। और ये दूसरी बार लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये तुरई है, इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। कल ही मैंने एक बड़ा तुरई जो लगा हुआ था ऊपर, उसको तोड़ लिया था। और ये देखिए, एक दूसरा नहीं अभी रेडी है, इसको भी मैं 1-2 दिन में तोड़ लूँगा। और इसके पीछे देखिए, एक और लगा हुआ है और काफ़ी सारे छोटे छोटे भी लगे हैं। ये मेरा एक छोटा सा किचन गार्डन में बनाने की सोच रहा था बहुत समय से, तो अभी फाइनली मैं टेरेस पे बना रहा हूँ। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे इसको मैं और सब्जियां भी लगाने की कोशिश करने वाला हूँ अभी, और वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये आप देखिए, पूरा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। और ये लौकी का पौधा है, इस पर छोटी छोटी चींटियाँ बहुत आ गई थी, तो मैंने नीम ऑयल डाला है तो अभी कम है। और इस पर भी फूल आना स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी लौकी भी लग जाएगी, ये देखिए। और ये हमारा ककड़ी का पौधा है, ये इस पर भी बहुत सारी चींटियाँ और बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े लग गए थे, ये ऑलमोस्ट मर ही गया था। लेकिन इस पर मैंने नीम ऑयल और थोड़ी सी और खाद डाली तो अच्छा खासा हो गया। और ये भी ककड़ी का ही पौधा था, लेकिन ये मर गया, इसको फंगस लग गया था, इसके कारण ये मर गया है। ये हमारा पुदीने का पौधा है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था और उसकी कटिंग बहुत ही अच्छी अभी स्टार्ट हो चुकी है। और ये बीन्स है, लॉन्ग बीन्स, ये देखिए ये भी लगना स्टार्ट हो चुकी है। ये अभी बारिश का मौसम है तो इसके छोटे छोटे कीड़े बहुत लगते हैं, बारिश के सीजन में लगती है। और ये मेरा मिर्ची का पौधा है जो मैंने सीड से ग्रो किया था और इस पर काफ़ी सारी मिर्चियाँ भी लग चुकी है। ये देखिए, पहले भी लगी है और वो मैंने तोड़ ली, और ये दूसरी बार लगी है और उस पर फूल भी बहुत सारे आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। मैंने इसको छोटी सी बोतल में लगाया है, पानी की बोतल है आती है इसमें। और ये जंगली जलेबी है, मीठी इमली कहते हैं उसको, इसको मैं सीड से ग्रो किया था और उसको बोनसाई बना रहा हूँ। ये जामुन का पौधा है, इसको भी मैंने सीड से ग्रो किया था। और ये देखिए, ये फाइकस की वैरायटी है, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था और इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है, सक्सेसफुल हो चुका है और इसकी नई नई पत्तियाँ भी आ रही है। और ये आपको एक और बता रहा हूँ, ये बनियन ट्री है, इसको भी मैं बोनसाई के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसको इसका आप ट्रंक देखिए, इसका ट्रंक देखिए, बहुत ही अच्छा मोटा हो चुका है। इसको मैं लगाए हुए 1 साल हो गया है और इसकी एरियल रूट भी निकल आई है। ये एक हमारे घर की दीवार के अंदर लगा था, उसको निकाल के फिर मैंने गमले में लगाया। और ये अमरूद का जो मैंने सीड से ग्रो किया था, इसका गमला पूरा टूट चुका है, 8 इंच का गमला है इसका, इसको भी मैंने सीड से ग्रो किया था। और ये हमारा अनार का प्लांट है जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था अमेजोन से। और ये बटन रोज है और इसके बाजू में है ड्रैगन फ्रूट, तो इसकी भी अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। ड्रैगन फ्रूट की थोड़ी ग्रोथ स्लो है अभी,